नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोगनविलिया के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स कैसे लें, ब्रांचेस और पत्तियों से ज़्यादा फूल पौधे पे आएंगे। बस वीडियो आप पूरा देखिएगा लास्ट तक, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ता हूँ। बस अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे ऐसी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ बोगनविलिया के पौधे पे साल भर अच्छे खासी फ्लावरिंग लेने की, तो इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आखिरी में मैं बताऊँगा कि आपको फ्लावर लेने के लिए कौन सी कंपोस्ट इसे देनी है और कैसे देनी है ताकि ढेर सारे फ्लावर्स आपके पौधे पे आएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि बोगनविलिया के लिए जो हमें सॉयल तैयार करना है, मिट्टी, वो होनी चाहिए वेल ड्रेन्ड और एयरी। एयरी का मतलब जो इसकी रूट्स हैं उनमें जो ऊपर से एयर है वो पास हो। हालांकि मैंने इसे प्लास्टिक पार्ट में लगाया है, पर मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको मिट्टी वाले गमले जो मिलते हैं वो मिले तो उसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती है। मेरे पास ये था तो मैंने इसमें लगा लिया है, क्योंकि उसमें जो होल्स होते हैं साइड से छेद होते हैं उससे एयरेशन काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी हार्डी प्लांट है बोगनविलिया, तो इसमें फुल सनलाइट में इसे रखना है, पूरे दिन की धूप इसे मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसमें वाटरिंग, लेस वाटरिंग प्लांट है, इसमें वाटर की आवश्यकता कम होती है, तो इसमें वाटरिंग तभी करें जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी नज़र आए। अब दोस्तों वाटरिंग हो गई, पॉट हो गया, सॉयल हमने देख लिया, फिर आपको जो है पौधे की केयर मैं बताऊं कि जब आपका पौधा निकल के आता है तो उसे आपको प्रून करना होता है। सेमी प्रून कह लीजिए, हार्ड प्रून कह लीजिए, या टिप प्रूनिंग। मैं दूसरा पौधा दिखाऊं आपको। अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, अभी करीब 10 दिन पहले तक अच्छी खासी फ्लावरिंग थी उसकी। इससे पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं मेरे बोगनविलिया के प्लांट में, तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग थी। अभी इसमें सारे फूल ड्रॉप हो गए हैं, तो इसकी हमें प्रूनिंग करनी है। देखिए कुछ बड्स आ रहे हैं नए नए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बोगनविलिया में फ्लावर्स जो आते हैं वो जो नई ग्रोथ निकल के आती है उसी में फ्लावर्स आते हैं, तो इसकी सेप भी मैनेज करना है हमें और उसमें ढेर सारे फ्लावर्स भी लेने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसकी अगर आपका पौधा छोटा है तो उसकी सेमी प्रूनिंग कीजिए या फिर टिप प्रूनिंग कीजिए। टिप प्रूनिंग का मतलब कि जो ऊपर की ये टिप निकल रही है इसे प्रून कर देंगे तो पौधा जो अपनी एनर्जी होती है वो नई ग्रोथ पर फोकस करता है। हालांकि मेरे पौधे की ये देखिए कुछ ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो गई हैं, तो हम इन्हें प्रून करेंगे। प्रूनिंग बहुत ही आवश्यक है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए बोगनविलिया में। तो इस प्रकार देखिए मुझे इस पौधे में ये यहाँ के बाद की रूट्स ये नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से जो नई लीव्स नई निकल के आएंगी ना ग्रोथ, इसमें ढेर सारे फ्लावर्स हमें मिलेंगे। यहाँ इसी प्रकार मैंने यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकल रहा, सेप इसकी बिगड़ रही थी यहाँ से, तो मैंने उसे भी कट कर दिया। और इधर से भी ये देखिए, तो इस प्रकार से आप अपने पौधे को सेप दे सकते हैं। इसकी पहले भी प्रूनिंग की जा चुकी है, ये देखिए अगर दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों प्रूनिंग के बाद ये पौधा हमारा रेडी होता है। अब इसके बाद जो सबसे मेन काम है कि प्रूनिंग करने के बाद पौधे को फर्टिलाइजर फीड कराना बहुत ही आवश्यक है। फर्टिलाइजर फीड कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गुड़ाई किए बिना हम फर्टिलाइजर देंगे इसे तो फर्टिलाइजर काफ़ी टाइम लगता है पौधे को मिलने में। तो फर्टिलाइजर देने का जो सही तरीका है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों किसी टूल की मदद से आप इस मिट्टी को हल्का ढीला कर लीजिए। देखिए मिट्टी मेरी कितनी भुरभुरी है कि हल्का सा भी मैं टच कर रहा हूँ मिट्टी सारी निकल जा रही। इसी वजह से पौधे में ग्रोथ अच्छी होएगी और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिलेगी। तो इस प्रकार देखिए इसकी गुड़ाई हमने कर ली है। और तो गुड़ाई करने के बाद अब बारी आती है इसमें कंपोस्टिंग की। तो क्या कंपोस्ट देना है, कौन सी कंपोस्ट किस लिए देना है, उसका क्या रीज़न है, तो इसके बारे में बात करते हैं। आते हैं हम कंपोस्टिंग पे। तो दोस्तों जो बोगनविलिया का पौधा है इसे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की भी आवश्यकता नहीं है इसे। पर फ्लावरिंग के टाइम पे हम इसे अगर कंपोस्ट देंगे फ्लावरिंग के हिसाब से तो इसमें अच्छी कंपोस्ट फ्लावरिंग होगी। तो हमें कंपोस्टिंग क्या करनी है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमने करीब करीब
जो एक मुट्ठा हम गोबर खाद ले लेंगे, ये गोबर खाद है, तो एक मुट्ठी के आसपास हम इसमें गोबर खाद मिला लेंगे। 12 इंच का गमला है मेरा, बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं देंगे। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए ये है स्टोन डस्ट जिसमें हमें फास्फोरस मिलता है। इसके अलावा ये बोन मील है, इसमें भी हमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं, या तो बोन मील यूज कर लीजिए या फिर स्टोन डस्ट, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट आता है बोन मील नहीं यूज करना चाहते, तो उसका ये ऑप्शन है कि आप इसकी जगह स्टोन डस्ट यूज कर लें। इसके अलावा जो बेस्ट है होममेड बनाना पील फर्टिलाइजर, ये पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, सबके लिए काफ़ी बेस्ट है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट होता है। और इसके साथ हम यूज करेंगे कुछ ग्रेनुअल्स सीवीड्स, तो कैसे यूज करना है इन सबको मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों हमने इसमें यूज कर लिया है गोबर की खाद, और इसके साथ इसमें हम यूज करेंगे करीब करीब एक मुट्ठी बोन मील। बोन मील पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, अगर आप इनऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं DAP, जो काफ़ी जल्दी इसको पौधे पे ग्रोथ दिखाएगी। तो ये दो चीज़ें हमने यूज कर ली हैं। अगर हमने बोन मील यूज कर ली है तो हम इसमें जो स्टोन डस्ट है इसको यूज नहीं करेंगे दोस्तों, दोनों में से एक ही यूज करना है हमें। और इन सब के साथ कुछ 15 से 20 ग्रैनुल्स हमने सीवीड के इसमें यूज कर लेना है दोस्तों। तो चारों तरफ हमने इसे बिखेर देना है दोस्तों। जो फ्लावरिंग के लिए बेस्ट होता है इसमें, वो होता है पोटेशियम और फास्फोरस। तो अब जो हम बनाना पील फर्टिलाइजर हमने बना रखा है, बनाना पील फर्टिलाइजर कैसे बनाना है पूरी डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट होममेड फर्टिलाइजर है, आप किसी भी पौधे में, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो, फ्लावर प्लांट हो, फ्रूट प्लांट हो, सब में दे सकते हैं, और इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको पौधों में देखने को मिलता है। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें देखते हैं, ये कुछ हालांकि छिलकों से बनाते हैं, पर ये कुछ बनानास थे जो मेरे पास खराब हो रहे थे, तो मैंने इन्हें पूरी तरह पानी में डाल दिया है, 2 दिन के लिए डाल के छोड़ दिया है, और 2 दिन बाद इसका पानी का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे और इस गमले में यूज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने करीब 0.5 लीटर इसमें पानी ले लिया है, और उसके साथ हम 0.5 लीटर ही ये बनाना पील फर्टिलाइजर यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें मिला लेंगे। दोस्तों अगर आपने ज़्यादा पानी में इसे भिगे रखा है बनाना पील्स को, कम बनाना पील्स और पानी वाटर ज़्यादा ले रखा है, तो आपको इसमें डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पर अगर आपका वाटर कम है और बनाना पील की संख्या ज़्यादा है तो आपको इसे डाइल्यूट कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन सभी कंपोस्ट के साथ जो हमने इसमें दे रखी है, इसके साथ हम इसमें बनाना पील फर्टिलाइजर देंगे, और ये जो कंपोस्ट हमने दे रखी है, जब तक हम वाटरिंग नहीं करेंगे ये इसके साथ इस पौधे को मिलेंगे नहीं। तो अभी हमने जिस तरह से इसे दिया है, इसमें हमने सभी तरह के कंपोनेंट्स जो इस पौधे को जरूरी है फ्लावरिंग के लिए दे दिया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, थोड़ी मात्रा में हमने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर काउडंग कंपोस्ट दिया है, उसके बाद हमने दिया है फॉस्फोरस रिच बोन मील, और फिर हमने दिया है सीवीड ग्रैनुअल्स जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और जो रूट सिस्टम है मिट्टी को जो है फंक्शनैलिटी को मजबूत करने के लिए, और उसके बाद हमने दिया है बनाना पील फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस पोटेशियम काफ़ी अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलती है जो कि इसकी फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप इसकी केयर करेंगे अपने बोगनविलिया प्लांट की, तो आपको ये पौधा हमेशा फूलों से लदा हुआ मिलेगा। और फिर इतना सब कुछ देने के बाद इसे हमें रखना है डायरेक्ट सनलाइट में, फुल डे सनलाइट में, क्योंकि ये पौधा सन लविंग प्लांट है, हार्डी प्लांट है, तो इसे हमें फुल डे सनलाइट देना है, तो पौधे में आपके पूरे साल इस तरह से फूल खिले रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।